अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फरा सिद्दीकी फ्रॉम फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल। वेलकम टू ई लर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट फिजिक्स। टुडे वी डिस्कस द लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम पेज नंबर 7। चलें बेटा ओपन कर लें पेज नंबर 7। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ एक्सेट्रा एंड स्टैंडर्ड टू सी हाउ मैनी टाइम्स एज बिग इट इज़। मेजरमेंट आपके पास क्या है? सिंपली अगर आप उर्दू मीनिंग इसका लिखना चाहें तो नापना। लेकिन इन अ फिजिक्स हम मेजरमेंट कहते हैं इज़ अ कंपैरिजन किसी बिटवीन एन अननोन क्वांटिटी। आप किसी भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ का? जो कि जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल हैं लाइक मास, लेंथ एक्सेट्रा एंड स्टैंडर्ड। किसके दरमियान होते हैं? अननोन क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस आपके पास जो कि आपका स्टैंडर्ड चीज़ आपने ली होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मुझे 2 kg शुगर दे दें, तो आपने देखा होगा कि इना फिज़िकल बैलेंस जो वो बैलेंस यूज़ कर रहे होते हैं, तराजू जिसे कहते हैं, उसमें वो एक साइड पर वो अननोन क्वांटिटी मतलब शुगर डाल रहे होते हैं और एक साइड पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा होता है 2 kg का, कि जी जैसे वो बराबर हो जाता है तो आपके पास वो उसकी मेजरमेंट हो जाती है। तो कंपेरिजन हो रहा होता है बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड का टू सी हाउ मैनी टाइम्स एज बिग इट्स, मतलब कि ये कितने गुना इससे ज्यादा है या कम है। नाउ कम्स टू यूनिट। यूनिट इज स्टैंडर्ड विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। यूनिट आपके पास स्टैंडर्ड होता है जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। मतलब कि आपको कैसे पता चलता है कि मास क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि ये लेंथ की वैल्यू है, आपको किस तरह पता चलता है कि ये टाइम लिखा हुआ है, तो आपको यूनिट से जो उनके साथ यूनिट लगा होता है उसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये वैल्यू जो है ये लेंथ की है, ये वैल्यू आपके पास मास की है, ये वैल्यू आपके पास टाइम की है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिखा है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कोई डिफरेंस है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये भी टू नंबर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मीटर लिख देती हूँ, यहाँ सेकंड लिख देती हूँ, यहाँ केजी लिख देती हूँ, तो अब इन वैल्यूज़ में डिफरेंस आ गया। और वो डिफरेंस कैसे पता चला हमें? ये इस यूनिट की वजह से। ये आपके पास लेंथ की वैल्यू हो गई, ये 2 सेकेंड्स आपको टाइम बता रहा है और ये आपके पास मास है। तो देखिए यूनिट से आप कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को कि आपके पास यूनिट ऐसी स्टैंडर्ड है आपके पास जिससे आप जिससे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। इस मीटर, सेकेंड, केजी की वजह से आपको पता चला कि ये लेंथ की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ये मास की वैल्यू है। बिफोर मेजरमेंट्स कैन बी मेड अ स्टैंडर्ड और यूनिट मस्ट बी चूजन। इस बात का क्या मतलब है कि जब आपने कभी भी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है तो एक स्टैंडर्ड यूनिट आपने अपने लिए चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर को मेजर कर रहे हैं तो आपने उसके लिए किलोग्राम का यूनिट यूज़ करना है, ठीक है। अब अगर आप कैंडीज़ को मेजर कर रहे हैं, छोटी स्मॉल कैंडीज़ को आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अब तो आप उसके लिए केजी नहीं यूज़ करेंगे ना, अब उसके लिए आप स्मॉलर यूनिट यूज़ करेंगे, मिलीग्राम या ग्राम इस तरह। तो जब भी आपने मेजरमेंट स्टार्ट करनी होती है उससे पहले अपने लिए स्टैंडर्ड को चूज़ करना ज़रूरी होता है। ये ना हो कि अब आप जी क्या नाम अपने रूम की मेजरमेंट ले रहे हैं, अब रूम की मेजरमेंट के लिए आप सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप बहुत स्मॉलर यूनिट यूज़ कर रहे हैं। हद तक कि आपके पास एक रूम की मेजरमेंट लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो आप उसके लिए मीटर्स को अपने लिए चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। द साइज ऑफ द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज देन फाउंड विद एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ स्केल मार्क इन द यूनिट। फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उस चीज़ को मेजर किया होगा उससे आपको उसकी
एग्जैक्ट वैल्यू उसके, या तो जिस तरह आप रूलर होता है, रूलर के ऊपर वो सारी आपके पास स्केल लिखा होता है, तो उस स्केल के थ्रू आपको वैल्यू का पता चल जाता है। फिजिकल बैलेंस या आप ये डिजिटल बैलेंस यूज़ करती हैं घरों में, तो डिजिटल बैलेंस पर जब आप उसको चीज़ को मेजर करती हैं तो आपको स्क्रीन पर उसकी वैल्यू मिल जाती है। पेज नंबर 7 पर ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास फिजिक्स में हम लेते हैं, उन सब वो सब क्वांटिटीज जो कि मेजर हो सकती हैं, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। ये सब क्वांटिटी मेजर्ड हो सकती हैं, दैट्स वाई दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। नंबर 1, बेस क्वांटिटीज। नंबर 2, डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपके पास है बेस क्वांटिटीज, दूसरा आपके पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज आपके पास क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज सच दैट इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि बेस क्वांटिटीज हैं तो बेस मीन्स बुनियाद, तो आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटीज में जो आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटीज ऐसी थी जिन क्वांटिटीज को हमने उसकी बुनियाद बेस क्वांटिटीज बनाया, और ये मिनिमम नंबर ऑफ, ये आपके पास बहुत कम तादाद में है, जस्ट आपके पास 7 क्वांटिटीज हैं सेलेक्टेड, इनको सेलेक्ट किया गया एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, और उनके लिए यूनिट्स को डिफाइन किया गया एंड स्टैंडर्डाइज सच दैट, अब स्टैंडर्डाइज किया गया इनको पूरी दुनिया में उन क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स थे उनको स्टैंडर्ड किया गया, उनको पूरी दुनिया में एक जैसा सेम रखा गया। सच दैट इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और इन्हीं 7 क्वांटिटीज की हेल्प से आपके पास आगे और क्वांटिटीज को बनाया जाता है, तभी इनको इनको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज, क्योंकि ये यूनिक हैं आपके पास, ये बस सिंगल इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, ये किसी से डिराइव नहीं हुई ये 7 क्वांटिटीज, बल्कि इन 7 क्वांटिटीज को यूज करके आगे और फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इन क्वांटिटीज की जो, इन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है। क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है, और यूनिट्स जो हैं इन्हीं क्वांटिटीज के उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है। सेकेंड वन आपके पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज जो कि 7 क्वांटिटीज थी, उन क्वांटिटीज को यूज करते हुए आगे क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है, तो उन क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज आपके पास तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उन 7 क्वांटिटीज को जो कि बेस क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, और फिर उससे एक न्यू क्वांटिटी को डिराइव किया जाता है, दैट्स वाई उन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फिर उन्हीं बेस यूनिट्स की मदद से उनके यूनिट्स भी डिराइव किए जाते हैं, दैट्स वाई इन यूनिट्स को कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, बेस क्वांटिटीज मैंने आपसे कहा था 7 है, और वो 7 कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जस्ट यही 7 बेस क्वांटिटीज हैं आपके पास, और इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को यूज करके आपके पास बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एरिया, एरिया इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो आपके पास इस लेंथ को ट्वाइस टाइम यूज करके मल्टीप्लाई करके एरिया को डिराइव किया जाता है। वॉल्यूम आपके पास क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। तो यही लेंथ क्वांटिटी को थ्राइस टाइम आपके पास मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वॉल्यूम आपके पास डिराइव हो जाता है। स्पीड आपके पास क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ और टाइम को डिवाइड करके आपके
आपके पास स्पीड को डिराइव किया गया है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, इन सब, ये सब आपके पास वो क्वांटिटीज हैं जो कि आपके पास एनर्जी, रेजिस्टेंस, ये सब वो क्वांटिटीज हैं जो इन 7 बेस क्वांटिटीज की हेल्प लेकर इन क्वांटिटीज को डिराइव किया गया है। चलें पेज नंबर 7 ओपन कर लें। फिजिकल क्वांटिटीज समझा मैंने आपको दिया है, अब इसकी एक रीडिंग कर लेते हैं। डेफिनेशन की हेडिंग दी है बोल्ड लेटर्स में, आपको ये डेफिनेशन इसकी नज़र आ रही है। ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिक्स वी स्टडी ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड थ्रू दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज मेजर हो सकती हैं उन सब क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। For example, the length of the book can be measured, the duration of our stay at school is measurable। मतलब कि कोई भी बुक है उसकी आप लेंथ फाइंड आउट कर सकती हैं, आप अपना स्कूल में गुजारा हुआ टाइम मेजर कर सकती हैं। Hence, these are called physical quantities। इन सब क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आपके पास क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज सच दैट इन टर्म्स ऑफ दीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। इस ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप हाईलाइट कर लें ताकि आप लोगों को ये पता हो कि ये आपके पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेस क्वांटिटीज की। मिनिमम नंबर है जिन मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट 7 क्वांटिटीज हैं जो कि आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इनके जो यूनिट्स हैं उनको कहते हैं बेस यूनिट्स। फिर आपके पास है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। ये भी आपके पास डेफिनेशन है, इसको हाईलाइट कर लें। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज हम डिराइव करते हैं उन क्वांटिटीज को हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं और इनके यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स फॉर दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑन पेज नंबर 8। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं या डिराइव क्वांटिटीज हैं, उन सब के यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन से यूनिट्स कहते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपके पास सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही नहीं यूज होते, आपके पास CGS सिस्टम भी है, MKS सिस्टम भी है, FPS सिस्टम भी है। लेकिन पहले जमाने में क्या हुआ था कि आपके पास कुछ ममालिक में FPS सिस्टम यूज होता था, कुछ ममालिक में CGS सिस्टम यूज होता था और कुछ ममालिक में MKS सिस्टम यूज होता था। तो फिर क्या होता था कि अगर ट्रैवलिंग कोई बंदा कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो जब वहां पर वो जाकर कोई चीज बाय करते थे या कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, अगर कोई आपके पास बिजनेसमैन है, तो उनको यूनिट्स में फिर थोड़ा सा मुश्किल होती थी, डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि एक ममालिक में जो मैस था वो आपके पास केजी में मेजर हो रहा था तो किसी और दूसरे ममालिक में वो ग्राम्स में मेजर हो रहा था। तो फिर उसके लिए आपको याद करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता था। दैट्स वाई फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए आपके पास और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थे उनके लिए एक यूनिट्स ने हमें प्रोवाइड किए और ये आपके पास, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिर सब मुमालिक में ये स्टैंडर्डाइज हो गए थे। उन सब मुमालिक को इन यूनिट्स के बारे में पता था और वो तकरीबन अब जितने मुमालिक से वो इन सिस्टम्स को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करते हैं। तो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसलिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को जो है क्या कहा जाता है, सिस्टम
सम ऑफ यूनिट्स, एब्रीविएटेड एज एस आई यूनिट्स। इसको हम कैसे लिखते हैं? एस आई यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब है इसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डेराइव्ड। इन्होंने हमें जस्ट इन 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स ही हमें बताए थे और फिर उन्हीं क्वांटिटीज की मदद से हेल्प लेकर हमने जो आगे क्वांटिटीज को डिराइव किया तो उनके फिर यूनिट्स भी हमने इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को ही यूज करते हुए डिराइव किया। दैट्स वाई वो भी फिर SI यूनिट्स कहलाए। रीडिंग कर लेते हैं, पेज नंबर एट ओपन कर लें। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ग्रीन देखें, ग्रीन उस कलर में हाईलाइट हुआ हुआ है, इसको आप हाईलाइट भी कर लें। ये डेफिनेशन है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप इसको हाईलाइट करें, ये आपकी डेफिनेशन है। The International System of Units is abbreviated as SI Units. Actually, SI Unit is a short form of the French name System International de Units, which means International System of Units. The International System of Units is based on 7 base units or 7 base units from which all other units are derived. ठीक है, इन आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल में इन 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स उन्होंने हमें दिए थे और उन यूनिट्स को अब बेस यूनिट्स कहा जाता है और उन्हीं बेस यूनिट्स को यूज करते हुए आपके पास आगे जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स। तो बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। तो अब आपके पास SI यूनिट्स में भी आपके पास SI बेस यूनिट्स हैं और SI डिराइव्ड यूनिट्स हैं। SI बेस यूनिट्स कौन से? SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर चूजन एज बेस एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड स्टैंडर्डाइज एंड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। जो 7 क्वांटिटीज उन्होंने चूज की थी उन्हीं 7 क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स को भी फिर उन्होंने चूज किया और उन यूनिट्स को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड बताया कि ये आपके पास स्टैंडर्ड है और उन यूनिट्स को उन्होंने कहा बेस यूनिट्स। Each SI unit is defined carefully so that it is unique and upon which accurate and reproducible measurements can be made. जितने आपके पास जो SI units हैं उनको इतनी तरीके के साथ इतनी carefully उन्हें define किया गया कि वो unique हैं। It is unique, इसको highlight करें। It is unique upon which accurate and reproducible measurements can be made. और वो खुद तो किसी से नहीं बने लेकिन उनसे आगे यूनिट्स को हम डिराइव कर सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट्स हैं, उनको हम आगे और यूनिट्स को उनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेबल 1.2 बेस यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमने अभी डिस्कस किए, इन्हीं बेस यूनिट्स को यहाँ पर आपको टेबल की फॉर्म में आपको गिवन है। बेस क्वांटिटीज गिवन है और फिर SI बेस यूनिट्स। नेम एंड सिंबल, लेंथ, लेंथ को हम डिनोट करते हैं LXR एक्सेट्रा, मतलब कोई भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हम स्मॉल L यूज करते हैं। तो लेंथ का आपके पास यूनिट है मीटर और मीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल kg से। टाइम ड्यूरेशन स्मॉल t, सेकेंड s। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I और स्मॉल i, एम्पियर कैपिटल A। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम सिंबल इसका यूज करते हैं कैपिटल T। यूनिट आपके पास केल्विन है कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, मोल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I, कैंडेला CD। ये आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं 7 और इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज की ये आपके पास बेस यूनिट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो बेटा आप लोग इन्हें ऐसे काइंडली घरों में याद करने की कोशिश करें। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट्स इनके क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला।
सेकेंड वन आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स है, यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, इसको भी हाईलाइट करेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस यूनिट आर टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। क्या लिखा है, यूनिट्स जो कि डिराइव होते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, बेस यूनिट्स, किसी भी बेस यूनिट्स को आप या तो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं या डिवाइड करती हैं, उनसे जो एक अलग क्वांटिटी, एक अलग यूनिट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इन एसआई यूनिट्स फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द 7 बेस यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स जो हैं आपके पास, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने डिराइव किया है इन्हीं बेस यूनिट्स की मदद से, उनके जो यूनिट्स डिराइव्ड हुए हैं इन्हीं 7 बेस यूनिट्स की हेल्प से डिराइव्ड हुए हैं। द यूनिट्स फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर आपके पास लेंथ का यूनिट है, सेकंड आपके पास टाइम का यूनिट है, तो लेंथ और टाइम के यूनिट को डिवाइड किया है तो वेलोसिटी का यूनिट बना। मीटर पर सेकंड स्क्वेयर मतलब कि लेंथ और टाइम को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया और लेंथ को टाइम पर डिवाइड किया तो आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट बना जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है। रिस्पेक्टिवली सम डिराइव यूनिट्स वर यूज सो ऑफन दैट इट बिकम कन्वीनियंट टू गिव देम देयर ओन नेम्स एंड सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हैज डिराइव्ड यूनिट ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फोर्स जो है वो डिराइव्ड हुआ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से, मतलब कि केजी आपके पास मास का यूनिट है और मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो इससे आपके पास फोर्स का यूनिट डिराइव हुआ है, विच इज गिवन स्पेशल नेम एज न्यूटन, जिसको हमने एक स्पेशल नेम दिया है, जिस क्या है, न्यूटन। न्यूटन आपके पास साइंटिस्ट नेम है ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था, तो ट्रिब्यूट देने पेश ट्रिब्यूट के लिए हमने इसके जो डिराइव्ड यूनिट है उसको नाम दे दिया न्यूटन का, और उसको हम एंड रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो फोर्स का यूनिट हम कहते हैं न्यूटन। लेकिन न्यूटन किसके इक्वल है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। Some derived quantities with derived units in terms of base units are given in table 1.3. आपके पास इन derived units की जो table है वो आपके पास इसी पेज पर given है, तो हम अभी उसको discuss करते हैं। Now we discuss the table number 1.3, which is derived units for international system of units. डिराइव क्वांटिटीज को हमने डिस्कस कर लिया है, वो डिराइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ ए बेस क्वांटिटीज डिराइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उससे जो न्यू क्वांटिटी हमारे पास बनती है उसको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द बेस यूनिट्स हम उनके यूनिट्स भी डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया जो है वो डिराइव क्वांटिटी है, कैपिटल ए इसका सिंबल है, यूनिट इसका स्क्वेयर मीटर है, मीटर स्क्वेयर। आपके पास एरिया कैसे डिराइव होता है, एरिया आपके पास लेंथ बेस क्वांटिटी है, उसको हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया डिराइव हो जाता है। इसी तरह लेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर गिव्स यू मीटर स्क्वेयर। वॉल्यूम आपके पास कैपिटल वी से डिनोट होता है, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब कि बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 times मल्टीप्लाई करने से आपके पास वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी डिराइव हुई है। यूनिट फिर आपके पास मीटर मल्टीप्लाई मीटर गिव्स यू क्यूबिक मीटर। देन आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी है, स्पीड एंड वेलोसिटी आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आपके पास है, इसका यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड है, मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन भी चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ लेंगी, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड मीटर सेकंड माइनस 2। डेंसिटी भी चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे, और इसके सिंबल को कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी मीटर माइनस 3। फोर्स कैपिटल एफ
न्यूटन साइंटिस्ट नेम है, लेकिन ट्रिब्यूट देने के लिए हमने फोर्स के डिराइव्ड यूनिट को एक स्पेशल नेम दिया है जो कि आपके पास न्यूटन है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इक्वल है केजी मीटर सेकंड माइनस टू के। प्रेशर कैपिटल पी पास्कल इज आल्सो साइंटिस्ट नेम, डिनोट करेंगे पी ए से केजी मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू। एनर्जी ई कैपिटल यू जूल भी आपके पास साइंटिस्ट नेम है, कैपिटल जे से डिनोट करेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू। कैपेसिटेंस कैपिटल सी फैरड इज आल्सो अ साइंटिस्ट नेम, कैपिटल एफ पर केजी एम माइनस टू सेकंड फोर एम्पियर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कैपिटल आर कैन ओम केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू। ये आपकी डिराइव क्वांटिटीज की टेबल है, ये आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टेबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर टॉपिक थ्री जो है आपका, टॉपिक फोर जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।